दोस्तों, लिव टू ईट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आम की बर्फी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और ये बहुत जल्दी से बन जाती है। ये कई तरीकों से बनती है, बेसन वगैरह से, लेकिन हम आज मावे से बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 200 ग्राम मावा ले लिया है और एक आम ले लिया है हमने। आप कोई भी आम ले लें, ये आम 400 ग्राम के लगभग है। तो आप, अगर आपको छोटा आम है तो आप दो ले लें। और ये हमने एक कप चीनी ली है और ये एक बड़ा चम्मच हमने लिया है घी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये आम पीस लेते हैं, फाइन पीस लेंगे एकदम। दोस्तों देखिए, ये आम पीस लिया है, ये लगभग एक कप के करीब हो गया है इसका पल्प। गैस पर हमने एक नॉन स्टिक पैन रख लिया है, कढ़ाई रख ली है, आप कोई भी कढ़ाई रख सकते हैं। अब इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे, गैस हम जला देंगे और साथ में हम ये एक कप चीनी डाल देंगे और इसको हम चीनी को पिघलने देंगे। दोस्तों चीनी पिघल गई है, हमें एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी, केवल इसे चीनी को हमें पिघलानी है। और इसमें हम ये एक चम्मच घी चूने वाला तवा डाल देंगे, इसे डाल के हम थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसमें हम ये मावा डाल देंगे, मावा डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। मावा पकाते हुए हमें 5 मिनट हो गए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये पल्प डालेंगे। हमें आम ऐसा लेना है कि पल्प थोड़ा इस टाइप का बने, ऑरेंज, जिससे कि बर्फी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसे हम लगातार चलाते हुए ही पकाना है। फ्लेम हम मीडियम को लो कर लिया है। अभी देखिए, हमने सारा पल्प डाल दिया है और इसे हमने थिक करना है। देखिए, पकते हुए थोड़ा थिक हो गया है, लेकिन अभी हमें और थिक करना है। अभी हमने गैस तेज कर ली है, ये थोड़े चीटे आएंगे, संभाल के करना है ये प्रोसेस। देखिए, ये काफ़ी थिक हो गया है, लेकिन अभी जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आया, तो अभी थोड़ा हमें और पकाना पड़ेगा इसे। देखिए, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी इस गैस हमने एकदम स्लो कर लिए और लगातार चलाते हुए पकाना है इसको। दोस्तों देखिए, ये काफ़ी थिक हो गया है और ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। देखिए, इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है बिल्कुल। चलिए, गैस अब हम बंद कर देते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें मेरे को मैंगो बर्फी जमानी है, इसमें मैंने इसलिए घी लगा लिया है। इसको ग्रीस कर लिया है बर्तन को। अब इसमें ये हम मटेरियल डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है बर्फी खाने में, यूँ ही जम जाती है, टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। अब इसको हम जमा देंगे। देखिए दोस्तों, बर्फी को हमने जमा लिया है। अब इस पर हम थोड़े से बादाम और पिस्ता डाल देंगे। ये वैसे अपने आप में ही कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा ये देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो टेस्टी और हो ही जाएगी। और इसको अब हम प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, बनने तक। थोड़ा ठंडा होके ये आराम से जम जाएगी। ये आम की बर्फी जम गई है। अब इसमें हम कट के निशान लगा लेते हैं। आप कोई भी शेप या अपने मनपसंद किसी भी आकार के आप इनमें कट के निशान लगा लें। कट के निशान लगा लिए आम की बर्फी में। देखिए, एक निकाल के दिखाते हैं। देखिए, ये कितनी टेस्टी बर्फी लग रही है और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। अब इसको हम सब निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये आम की टेस्टी बर्फी बनके तैयार है। और देखिए, इसका लुक कितना खूबसूरत है और कलर भी कितना सुंदर आया है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये बहुत आसानी से बन जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।